हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 21 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ यहाँ पे आई है वह है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। देखो, न्यूज़ क्या थी बेसिकली वो हम देखते हैं। कंटेक्स्ट ये आया था कि अभी इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के जो बेस कैंप वगैरह थे उनको डिस्ट्रॉय है वो किया था। तो जो बेस कैंप को डिस्ट्रॉय करने में जो वेपन्स, ये हम बात करें कि जिन रॉकेट लॉन्चर का यूज़ किया गया था वो एक था पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो अभी न्यूज़ में है तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, मल्टी बैरल का मतलब क्या हुआ? मल्टी बैरल का मतलब ये, देखो काफ़ी सारी, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी जो रॉकेट्स हैं वो एक साथ लॉन्च की जा सकती हैं। तो यह इस तरह का एक उपकरण होता है मल्टी लॉन्चर, जो कि एक व्हीकल के ऊपर सेटअप होता है और इसमें बेसिकली हैं और नॉर्मली 12 लॉन्चर अवेलेबल होते हैं जिनकी सहायता से रॉकेट है वो दागे जाते हैं। अब यह ध्यान रखना है हमें कि जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है वो इंडिया का स्वदेशी है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO है उसके द्वारा इसको डेवलप है वो किया गया था इंडियन आर्मी के सपोर्ट के लिए। इसकी रेंज क्या है? देखो, स्टार्टिंग में इसके अलग अलग वर्जन आए थे, जैसे कि आपको पता है ना कि वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, जिस तरीके से एंड्रॉयड का वर्जन 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 चलते हैं, उसी तरीके से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के भी वर्जन थे। तो जो स्टार्टिंग का वर्जन था Mach 1, उसकी रेंज थी 40 किलोमीटर अप टू, इसके बाद में जो अभी Mach 2 है उसकी रेंज वो है 75 किलोमीटर से लेके लगभग 80 किलोमीटर तक की रेंज में डिस्ट्रॉय है वो किया जाता है। देखो, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का सबसे अच्छा जो यूज़ था वो मेनली किया गया था कारगिल वॉर में। कारगिल वॉर में जब हमारी साइड से लड़ाई की गई थी, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाए गए थे, उस दौरान पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का यूज है वो किया गया था। स्पीड वगैरह UPSC इसके बारे में इतना नहीं पूछेगी, बट फिर भी देख लेना कि स्पीड है वो इसकी है लगभग 80 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही जो एक वेपन और यूज़ किया गया था वो थी बोफोर्स आर्टिलरी गन। आर्टिलरी गन मतलब तोप की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो, बोफोर्स स्कैंडल काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था पहले और अभी उसी तोप की बात की जा रही है, वो इन्हीं तोप की वजह से स्कैंडल है वो सामने आया था। देखो, पहली बात ये कि जो बोफोर्स आर्टिलरी गन है ये इंडिया की स्वदेशी नहीं है, ये इंडिया ने परचेज की थी कहाँ से? स्वीडन से। स्वीडन है वो एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से इंडिया ने इनको परचेज़ किया था 1986 से लेकर 1991 के बीच में। लगभग 410 के आसपास ऐसी आर्टिलरी गन या तोप हैं वो इंडिया ने परचेज़ की थी स्वीडन से, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी थी। इनकी जो रेंज है वो है लगभग 38 किलोमीटर के नियर बाई, और हम बात करें तो इनका भी कारगिल वॉर में काफ़ी अच्छा यूज है वो किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आप ये बताइए कि इंडिया में जो बोफोर्स आर्टिलरी गन या जो बोफोर्स तोप है, इसी का एक स्वदेशी वर्जन भी बनाया गया था, उसका क्या नाम है? देखो, इंडिया में जो स्वदेशी वर्जन बनाया गया था बोफोर्स आर्टिलरी गन का, उसका नाम है धनुष। ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूज़ में काफ़ी बार ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। कहाँ की है ये इंस्टीट्यूट है जो है हम वो देखते हैं? ये जो यूनिवर्सिटी है वो यूनाइटेड एमिरेट्स अरब, यानी कि तो दुबई है, अबू धाबी है, वहाँ पे इसको सेटअप है वो किया जा रहा है। तो यह अपने आप में ये अपने आप में एक अनोखे तरीके की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में, मतलब उसको फोकस करते हुए इसको डेवलप है वो क्या क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर स्टडी है वो की जाएंगी। अब देखो, बात ऐसी है कि इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर सेटअप की गई है, UAE में। ये जो यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं एडवांस फॉर्म में, उनके लिए यूनिवर्सिटी है वो काम करने वाली है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो हम बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात आ रही है 4.0 में, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बात करें या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं लेटेस्ट, इनका काफ़ी अच्छे से यूज है वो किया जाता है। तो इंडिया को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में अपना योगदान है वो देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिता, यानी कि आप ऐसे देख सकते हो जिस तरीके से आपने जो गूगल एसेंट के न्यूज बारे में सुना होगा, या फिर आपने एप्पल में सीरी के बारे में सुना होगा, या जो अमेजोन की एलेक्सा है, गूगल होम है, ये क्या काम करती हैं? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसी तर्ज पे नई एडवांस रिसर्च स्टडी की जा सके, इसके लिए इस यूनिवर्सिटी को सेटअप है वो किया गया है।
नेक्स्ट देखो जो न्यूज़ आई है वो है बेसिकली अनअकेडमी की तरफ से। न्यूज़ ये है कि अनअकेडमी पे लाइव क्लासेस हैं, वो यूपीएससी या अदर और भी जो प्रोग्राम है स्टेट पीसीएस वगैरह को लेके, जैसे हरियाणा पीसीएस हो, जैसे बिहार पीसीएस, जैसे यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस, एनपी पीसीएस वगैरह या यूपीएससी, आप कोई भी कोर्स है वहाँ पर ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो देवेंद्र सिंह 27 तो इससे आपको 10% डिस्काउंट है वहाँ पर मिल जाएगा। अब आज की जो हमारी न्यूज़ आई है अगली, वो आई है मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में, MDR। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब MDR काफ़ी न्यूज़ में आया था और अभी वापस रिसेंटली न्यूज़ में आया है। क्यों? क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस दौरान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि भाई जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है इसको हम जीरो के पास, मतलब जीरो के आसपास ले जाएंगे, ताकि जो डिजिटल पेमेंट है वो बूस्ट हो सकें और जो बर्डन है वो ना बढ़े। अभी देखो ये 1 नवंबर तक के लिए तो जीरो था, बट अभी 1 नवंबर से इसके कुछ चार्जेस लगना शुरू हो गए हैं तो इसीलिए वापस न्यूज़ में आया है। देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है क्या, इसे समझने के लिए पहले हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो हम कहीं भी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और ये मान लो कि वहाँ हमने 100 रुपये का कार्ड स्वाइप कराया कि 100 रुपये के लिए हमने अपना कार्ड है वो स्वाइप कराया। अब होगा क्या, वो जो 100 रुपये हैं वो पहले जाएंगे बैंक के पास, जिस भी बैंक की जो POS मशीन होती है वहाँ पर, जैसे एक्सिस बैंक की जो POS मशीन सी होती है उसमें अगर आपने कार्ड स्वाइप किया तो पहला पैसा है वो शायद जाएगा एक्सिस बैंक के पास। अब एक्सिस बैंक है देखो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप वाला है इसको उसने मशीन भी दी है, मेंटेनेंस भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इन सब का कुछ ना कुछ चार्ज तो होता है। तो वो क्या करेगा, कुछ चार्ज है वो काट लेगा। जैसे मान लो कि 1 रुपया उसका चार्ज है तो उसने 1 रुपया चार्ज काट लिया और फिर जो 99 रुपीज़ बचे वो पेट्रोल पंप वाले ओनर को या पेट्रोल पंप के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो यानी अब आप यहाँ पर ये देखिए जो 1 रुपया यहाँ पे काटा गया वो किस किस के बीच में डिवाइड हो रहा है। देखो ये 1 रुपया है, एक तो जिस बैंक ने ये POS मशीन दी है उसको मिलेगा, इसी के साथ ही जिस कंपनी का पर्सन ने क्रेडिट कार्ड या जो कार्ड यूज़ किया, डेबिट कार्ड हो वैसा भी कार्ड हो, उसको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा क्योंकि भाई उसका कार्ड स्वाइप हुआ है, तो वो भी बोलेगा कि देखो भाई हमने भी सर्विस प्रोवाइड करवाई है। इसी के साथ ही हम और बात करें तो जिस में अकाउंट है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्सिस बैंक में अकाउंट था इस ओन बैंक जो यहाँ पे पेट्रोल पंप के ओनर का, तो वो भी कुछ ना कुछ पैसा रखेगा। तो इन जो 1 रुपया है वो जो कार्ड इश्यूइंग बैंक है उसको मिलेगा, इसी के साथ ही जो पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, रुपये है, ये ले जाएंगे कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा है वो बेसिकली जो POS मशीन जो बैंक दे रहा है जिसमें अकाउंट है जो पेट्रोल पंप के ओनर का उसके पास जाएगा। यानी कि जो 1 रुपया है वो इस तरीके से डिवाइड है वो हो जाता है। अब एक चीज़ तो इसमें UPSC क्या पूछ लेती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे कि भैया जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ये बेसिकली कस्टमर को मिलती है, तो ऐसा नहीं है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो बेसिकली यहाँ पे मिलती किसको है, जो बैंक है ना, जी सॉरी, जो यहाँ पे पेट्रोल पंप है उसको मिलते हैं, पे करनी होती है ये। यानी कि आपने कई बार ऐसा भी एग्जांपल देखा होगा कि जब आप कई जगह कार्ड स्वाइप कराते हो तो आपको जो दुकानदार है वो ये कहता है कि भाई अगर आप कार्ड स्वाइप करोगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे चार्ज लगता है। तो वो जो 2% 3% आपको जो बोलते हैं वो बेसिकली मर्चेंट डिस्काउंट रेट ही होती है, ये अब आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली देखो प्रावधान ये किया गया है कि बैंकों ने कि जो मर्चेंट डिस्काउंट जो रेट है ना वो जो यहाँ पे हम बात करें दुकानदार है इसको पे करनी है ना कि कस्टमर को। बट आपने देखा है कई बार जो दुकानदार हैं वो कस्टमर के ऊपर ही इसको लगा देते हैं कि भाई अगर आप कार्ड स्वैप करोगे तो आपको 2% देना होगा। नॉर्मली जो बड़े मॉल शोरूम वगैरह होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप कार्ड स्वैप करोगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लिए जाएंगे, बट कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो आपने देखा होगा डेली लाइफ में, तो वो जो अक्सर लेते हैं वो बेसिकली मर्चेंट डिस्काउंट रेट ही होती है। तो यह एक तरीके की एक चार्ज होता है, फीस होती है जो कि मर्चेंट होती है, इसके बैंक मतलब मर्चेंट के द्वारा बैंक है वो एक्सेप्ट करता है क्योंकि बैंक खुद तो ले नहीं सकता कस्टमर से, तो वो क्या करता है जो यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि हम बात करें यहाँ पे दुकानदार है, दुकानदार के थ्रू बैंक है इसको लेता है, फिर वो आपस में डिवाइड है वो की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यही UPSC पूछ सकते ज़्यादातर है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो बेसिकली कस्टमर के लिए है या नहीं है। नहीं, ये बेसिकली उसी को पे करना होता है दुकानदार को, दुकानदार के लिए होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल आया है वो है प्रहरी स्कीम के बारे में। प्रहरी का मतलब क्या होता है, चौकीदार या गार्ड। देखो ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम है, यानी कि जो पुलिस है वो कम्युनिटी के बेसिस पे इस स्कीम को लॉन्च है वो की है, और ये स्टार्टिंग में की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, इसको लॉन्च है वो यहाँ पे किया गया है। क्यों, दिल्ली पुलिस का देखो मोटो यह है कि जो दिल्ली में काफ़ी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इस क्राइम में जो कम्युनिटी है, समुदाय है, इनके लोगों की पार्टनरशिप है या इनकी भागीदारी है, उसको सुनिश्चित करके जो क्राइम है इनको रोका जा सके।
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई पुलिस हर जगह अवेलेबल हो, तो जो वहाँ पे नॉर्मल जो चौकीदार होते हैं सोसाइटीज़ वगैरह में, उनके थ्रू हेल्प ली जाएगी कम्युनिटी के लोगों से, और फिर उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस के पास रहेगी ताकि कुछ भी क्राइम वगैरह होने से रोका जा सके। इस स्कीम में जैसा मैंने आपको बताया कि जो सिविल पर्सनल, जैसे कि जो चौकीदार होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो कि कॉमर्शियल या फिर जो वीआईपी एरिया में सोसाइटी की सिक्योरिटी करते हैं, उनको पुलिस है वो एक आँख की तरह यूज़ है वो करेगी यहाँ पे, कि भाई वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं अगर कुछ भी उन्हें संदिग्ध वो फील होता है तो ये प्रहरी स्कीम है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे आया है वो है डेनेक्स 2019 के बारे में। देखो डेनेक्स 2019 है वो इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो कोस्ट गार्ड हैं इन चारों की एक जॉइंट एक्सरसाइज है, और ये कंडक्ट की जा रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। बेसिकली डेनेक्स के जो भी वर्जन हैं ये सारे अंडमान निकोबार में ही आयोजित हैं, वो किए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में इंडियन आर्मी भी डिप्लॉय की गई है, नेवी भी वहाँ पे है, एयरफोर्स भी है और कोस्ट गार्ड भी है। तो देखो इंडियन जो इंडियन हम बात करें इंडियन ओशन में हमारे जो अंडमान एंड निकोबार इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पे एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सब आपस में मिलके अंजाम है वो इसको देते हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी को सिक्योर है वो यहाँ पे किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आया है वह है सहिरुई लिली फेस्टिवल के बारे में। तो सिरुई जो लिली फेस्टिवल है ये हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो यहाँ पे सिरुई लिली फेस्टिवल है ये बेसिकली एक स्टेट फेस्टिवल है। कहाँ का? ये स्टेट फेस्टिवल है मणिपुर का। ये आपको ध्यान में रखना है कि सिरुई लिली फेस्टिवल है वो मणिपुर का एक स्टेट फेस्टिवल है जो कि 5 दिन तक चलता है। लिली देखो एक प्रजाति है फूलों की जो कि काफ़ी सुर्खियों में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा इसको, मतलब कि वहाँ पे इसकी नई नई प्रजाति स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं इसलिए कई बार ये न्यूज़ में भी आ जाती हैं। बट नॉर्मली जो लिली की एक स्पीसीज है जिसका नाम है सिरुई, वो एक इंडेमिक स्पीसीज है जो कि मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में ही पाई जाती है, और वहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये सिरुई लिली फेस्टिवल है वो आयोजित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सिरुई लिली फेस्टिवल का आयोजित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिली की जो प्रजाति है सिरुई, जो सिरुई ये नॉर्मली कहाँ पाई जाती है? ये मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में ही पाई है वो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले देखो यहाँ पे एक हिल्स थी, पहले नहीं, खैर अभी वो हिल्स हैं जिनका नाम है सिरुई हिल्स। तो सिरुई हिल्स हैं ये कहाँ पे है? मणिपुर में है, और यहीं पे ये प्रजाति है या हम बात करें लिली की जो स्पीसीज है वो पाई जाती है। 2017 से पहले ये लोकल लेवल पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता था, पर बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, और अब ये स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको स्टेट लेवल पे सेलिब्रेट है वो करती है ताकि टूरिज्म को और ज़्यादा अट्रैक्ट है वो किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे के बारे में। देखो यह जो सर्वे है वो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट है वो किया गया है, और एक थर्ड पार्टी एजेंसी की हेल्प से, यानी कि FSSAI ने खुद ने किया है, थर्ड पार्टी की भी हेल्प ली गई है और उसके द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है वो कंडक्ट किया गया है। किस लिए? ताकि जो मिल्क सैंपल हैं इनको सुनिश्चित किया जा सके भाई इनमें क्वालिटी है, जो इनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोकल डेयरी फॉर्म हैं उनको भी शामिल किया गया है, और जो मिल्क वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं या फिर जो मिल्क की जो मंडीज हैं, इन सब की जगह से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, और फिर दूध की स्टडी है या दूध की रिसर्च की गई है कि दूध की क्वालिटी कैसी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट फैक्ट ये सामने आया है कि जितने भी सैंपल लिए गए ना प्रोसेस्ड मिल्क के, प्रोसेस्ड मिल्क का मतलब जो कच्चा मिल्क होता है, रॉ मिल्क होता है, जैसे कि वो डेयरी फार्म में जाता है और फिर वहाँ पे पहले उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे आगे जैसे कि दही बनाना है या फिर आगे उसको पैकिंग करके भेजना है, आगे एक्टिविटीज की जाती हैं। तो जो प्रोसेस मिल्क होता है इसमें सेफ्टी के इश्यूज पाए गए हैं। 10 सैंपलों में से एक सैंपल ऐसा है हर 10 सैंपलों में से कि भाई जिसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है। अब बात ऐसी नहीं है कि नॉर्मल बात तो की जा रही है यहाँ पे, मतलब ये है मेजर ब्रांड भी इसमें शामिल हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे अमूल, सरस हो गया, मदर डेरी, इनमें भी ऐसी धांधलीबाजी है वो यहाँ पे पाई गई है। इसी के साथ ही वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में भी फेल हैं वो रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि भाई दूध में मिलावट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है।
इसी के साथ ही इसमें और फैक्ट ये सामने आए कि लगभग, देखो ये आपको नंबर याद नहीं रखने हैं, बस एक फैक्ट ध्यान रख लेना कि लगभग 6,432 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, और उन सैंपल में से देखा गया कि लगभग 7.1% जो डाटा है, या हम बात करें 456 सैंपल ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं थे पीने लायक, क्योंकि उनमें एफेटोक्सिन M1 एक जो केमिकल है जो कि पाया गया है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो एफेटोक्सिन है ये है क्या, एफेलोटोक्सिन M1 के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसी के साथ देखो, जानवरों को अगर ज़्यादा बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक या पेस्टिसाइड दिए जाते हैं तो उसका इफेक्ट भी दूध की क्वालिटी पे दिखता है, और दूध में जहरीलापन है वो बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे जो एफेटोक्सिन की बात की गई है, ये एक टॉक्सिक एलिमेंट है, हम बात करें टॉक्सिक या जहरीला एक एलिमेंट है जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स में पाया जाता है, जैसे कि मक्का हुआ, पीनट, मूंगफली हुई, या फिर जो कॉटन सीड्स, मतलब जो दाने होते हैं ना मक्के के दाने, उनमें मूंगफली के दाने, या फिर जो कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो, इस तरीके के बीजों में यह पाया है वो जाता है। अब अगर इसको कंज्यूम किया जाता है तो ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, जैसे जैसे लीवर फेल्योर हो जाता है, किडनी फेल्योर, इसी के साथ ही और तरह की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं, और कई बार तो डेथ भी हो जाती है। देखो इसकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक ये प्रावधान किया गया है कि जो एफेटोक्सिन M1 जो केमिकल है, जो जहरीला पदार्थ है, ये दूध में 1 किलोग्राम दूध में कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी 1 मिलीग्राम हो सकता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसकी जो क्वांटिटी है वो दूध में ये डिसाइड की गई है कि 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम दूध में एफेटोक्सिन है वो पाया जा सकता है। लेकिन इंडिया ने इसके स्टैंडर्ड्स और भी टाइट रखे हैं, और इंडिया ने ये प्रावधान कर रखा है, इंडिया में मतलब FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि भाई जो एफेटोक्सिन है वो मिल्क में 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी में ही पाया जा सकता है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल उससे भी बहुत कम मात्रा में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है नागा पीस अकॉर्ड के बारे में। देखो नागा पीस अकॉर्ड है वो अभी न्यूज़ में आया है, अभी देखो इसकी जो क्या क्या बातें हैं वो तो सारी भी वो पब्लिक में नहीं आई हैं, बट हम इसको डिस्कस वो यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन होगी, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि भाई इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखो नागा पीस अकॉर्ड है ये जो प्रोग्राम है नागालैंड की, नागालैंड की नहीं, जो नागा कम्युनिटी है, जो ट्राइबल ग्रुप है उसी को लेके हैं, और जो नागा कम्युनिटी है वो नागालैंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा हम बात करें तो यहाँ पे आसाम, कुछ हिस्सा मणिपुर का है, तो इन हिस्सों में बेसिकली फैली हुई है, और इनकी एक काफ़ी बड़ी डिमांड थी जो कि थी ग्रेटर नागालिंगम एक नया स्टेट बनाने की। तो हम थोड़ा इसको पीछे से बैकग्राउंड से देखने की कोशिश है वो यहाँ पे करेंगे। तो देखो बात करते हैं हम आज़ादी से, आज़ादी के टाइम की बात करना, यानी कि 1946 के टाइम की बात। उस टाइम पे नागालैंड वाला जो रीजन है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल NNC, और इसने क्या कहा कि भाई हम तो एक अलग ही देश बनेंगे, हमें इंडिया में शामिल नहीं होना है, हम तो एक हमारा अलग देश था पहले ही, हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये एक अलग से देश बनाने की मांग स्टार्टिंग से कर रहे थे, सॉवरिन नागा स्टेट की मांग इन्होंने की थी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, 1951 में रेफरेंडम भी करवा लिया, और उस रेफरेंडम में 99% सपोर्ट ही आया है यहाँ के लोगों का कि भाई वो इंडिपेंडेंट नागालैंड है वो यहाँ पे बनाएंगे, मतलब एक नया देश बनाने की बात इन्होंने की। अब ये तो हमारे देश की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट था, इसीलिए उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, 1952 में एक दो छोटे मोटे चेंजेस हुए थे यहाँ पे, और इसके बाद में गवर्नमेंट ने बड़े मेजर एक्शन यहाँ पे लिए। इसके बाद में हुआ ये काम कि 1952 में नागा फेडरेशन गवर्नमेंट है वो बनी, और इस नागा फेडरेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, नागा फेडरेशन आर्मी का निर्माण वो यहाँ पे किया, और इसकी लगातार इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रोवर्सी टक्कर होती रही, काफ़ी इन्होंने मतलब खतरनाक कार्यों को अंजाम भी दिया, और काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी है वो इस एरिया में फैली, और उन आर्मी के लोगों को भी बार बार यहाँ पे मारा गया। इसके बाद में बात हुई कि 1958 में इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने अस्फा यहाँ पे लागू किया, अस्फा यानी कि द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि 1958 में यहाँ पे लागू किया गया, और इसके तहत मतलब जो इंसिडेंस है इसको काउंटर करने की कोशिश की गई। ये सारा चल रहा था, इसके बाद में बात आती है 1975 में शिलोंग एग्रीमेंट साइन होता है, किस किस के बीच में, जो ये नागा नागालैंड या फिर जो नागा ग्रुप्स हैं ये, और इसी के साथ ही हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके बीच में। और इस अकॉर्ड में क्या हुआ, इस अकॉर्ड में जो वहाँ के इम्पोर्टेंट ग्रुप्स थे नागालैंड के बारे में, एक तो था नागा फेडरेशन गवर्नमेंट, और एक था यहाँ पे
नेशनल नागा काउंसिल, इन दोनों ने क्या है ये एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है हम हथियार तो फेंकने को तैयार हैं, हम गवर्नमेंट की मेन स्ट्रीम में मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने मतलब हथियार फेंक के शांति के रास्ते पर चलने की बात है वो कही। लेकिन जो यहाँ पे ग्रुप थे इन्होंने क्या है आपस में ही कॉन्ट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया। कोई ग्रुप बोलने लगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जो एनएनसी ग्रुप था एनएफसी था ये आपस में ही टूटने लग गए, लोगों ने ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। और जो शिलोंग अकॉर्ड था वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आया। तो इसके बदले में क्या हुआ, इसके बदले में ये हुआ कि 1980 में 1980 में जो यहाँ पे एनएनसी और एनएफसी ग्रुप थे ना इनकी वैल्यू ही खत्म हो गई और एक नया ग्रुप सामने उभर के आया जिसका नाम था एनएससीएन। अब ये जो एनएससीएन ग्रुप है ना इसने क्या क्या किया वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई ये जो एनएससीएन की मतलब क्या है। एनएससीएन का मतलब था यहाँ पे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये ग्रुप है वो यहाँ पे बना 1980 में। ये जो जो ग्रुप बना था 1980 में नेशनल सोशलिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये बेसिकली तीन लोगों ने बनाया था उस टाइम पे, जो तीन इंपॉर्टेंट लीडर थे आप नागालैंड के जिन्हें बोल सकते हो, जिनमें एक का नाम था इसाक, एक का नाम था इसाक, एक का नाम था महुआ और एक का नाम था खापलांग। तो इन तीन लीडरों ने मिलके ग्रुप है वो यहाँ पे बनाया, इसाक महुआ और खापलांग ने। बट हुआ क्या, इन तीनों में डिफरेंसेज है वो होना शुरू हो गए। तो 1988 तक आते आते ये हुआ कि इसाक और महुआ हैं वो तो एक साइड हो गए और जो खापलांग है वो एक साइड होगा, मतलब दो ग्रुपों में डिवाइड होगा, इसाक महुआ और खापलांग। और जो कि काफ़ी ज़्यादा इनमें सेपरेटिस्ट की भावना थी और ये मतलब एक ग्रेटर नागालिंगम नए स्टेट की मांग कर रहे थे वगैरह वगैरह इश्यू चलते रहे। अब देखो हुआ कि जो इसाक और महुआ वाला ग्रुप था ना इसके साथ तो गवर्नमेंट ने बातचीत करना शुरू किया, तो ये मतलब बातचीत पे एग्री हो गए कि हाँ बातचीत हम करेंगे गवर्नमेंट के साथ, इन्होंने बातचीत पे फोकस करना शुरू किया। लेकिन जो यहाँ पे जो खापलांग वाला ग्रुप था ना ये तो अलग ही मांग कर रहा था कि भाई हमें तो एक अलग ही देश चाहिए, हम तो एक नया देश है वो यहाँ पे बनाएंगे। तो इसीलिए हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने इनकी एक भी नहीं सुनी और इनको एक मतलब अलग ही आइसोलेट है वो कर दिया गया। तो अभी जो यहाँ पे साइन किया गया है, हम बात करें जो नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ है वो इसाक और महुआ के साथ हुआ है, और जो ये एनएससीएन इसाक महुआ है ये ऐसी बात नहीं है, नागालैंड का नॉर्थ ईस्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और भी जो बाकी ग्रुप हैं उल्फा वगैरह वो इन सबको जो ट्रेनिंग वगैरह है वो इसी ग्रुप के द्वारा दी है वो जाती है, यानी वहाँ का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है एनएससीएन। तो अभी देखो न्यूज़ में ये आ रहा है कि जो ये एनएससीएन इसाक महुआ वाला ग्रुप है ना इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि हाँ भाई ठीक है हम मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं, हमें नए देश की ज़रूरत है वो नहीं है, बस हमारी हमारी जो आइडेंटिटी है वो बरकरार चाहिए, हमारी जो कुछ वैल्यूज़ हैं इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से आपने जम्मू एंड कश्मीर को स्क्रैप किया है वैसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, हमें हमारी ऑटोनॉमी है वो मिली रहनी चाहिए तभी हम मेन स्ट्रीम वगैरह में शामिल है वो होंगे। तो देखो क्या क्या एग्रीमेंट में हुआ है वो तो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, बट हमने एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया कि भाई यहाँ पे क्या क्या है वो चल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्रुप ये यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ थी। हाँ एक छोटी सी न्यूज़ आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो यहाँ पे एनएससीएन यानी कि नेशनल सोशलिस्ट ऑफ इसाक महोवा जो नागालैंड ग्रुप था इसकी दो बातें थी सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो इनकी मांग ये थी कि इनकी सॉवरेनिटी है वो यों की यों बरकरार है इसकी। दूसरी इनकी डिमांड ये रहती थी कि भाई जो नागा ग्रुप्स हैं, देखो तो नागा ग्रुप्स ऐसा नहीं कि नागालैंड में रहते हैं, जो नागालैंड के नियर बाई स्टेट आप देख सकते हो इनमें भी नागा ग्रुप्स हैं वो रहते हैं। तो इनकी मांग थी कि जो नियर बाई स्टेट में भी जो नागा ग्रुप्स हैं इन सबको मिला के एक स्टेट है वो बनाया जा सके। मतलब इसाक महो वाले ग्रुप ने देश की मांग छोड़ दी थी, बस वो इंडिया में ही मिलकर रहना चाहते थे, बट खापलांग तो देश के अगेंस्ट जा रहा था इसीलिए उसको बाद में एलिमिनेट है वो यहाँ पे किया गया था। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।